इसी तरीके से मेरी बाइक की जो सेकंड सर्विस है हंटर 350 की वो हो चुकी है, और जो कॉस्टिंग आई है वो सिर्फ और सिर्फ 78 रुपीज़ है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं जो टोटल कॉस्टिंग आई है 78 रुपीज़ है। खैर 2 रुपये वापस नहीं मिले मुझे, बट स्टिल। तो मैं वीडियो में बताऊँगा आपको, प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगा मैं किस तरीके से इतनी कम कॉस्ट आई है इसकी और कैसी आई है, तो क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें ली हैं, क्या नहीं ली, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए सर्विस करवाते टाइम बाइक की। सो गाइस अभी एक शांत एरिया में जाते हैं, अंदर में वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मुझे अलाउड नहीं था, बाइक वॉश हो चुकी है ऑलमोस्ट, एंड ऑलमोस्ट वहाँ से वॉशिंग के बाद आने वाली होगी, आई एम होपिंग कि जल्दी से वॉश होकर के आते हैं वहाँ पर, और देन हम लोग एक बार, अभी हाँ अभी नहीं आई है, देन अपन लोग एक बार चल करके किसी शांत एरिया में जाके एक वीडियो बनाएंगे कि इतनी सर्विस कॉस्ट कम कैसे आई बाइक की। एंड आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जो बाइक में एक्चुअली 78 रुपीज़ की जो कॉस्टिंग आई थी वो इस तरीके से आई थी कि मैंने एक्चुअली जो जब बाइक आप सर्विस के लिए जाते हैं तो अब आपको वो बताते हैं कि आपकी बाइक में कोई इशू है या नहीं, तो उस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले मेरी बाइक में कोई भी इशू नहीं थी, बस मुझे थोड़ी सी राइट साइड से जो ब्रेक पैडल होता है उसके पास से थोड़ी हमिंग सी साउंड आती थी, अब हाई थ्रॉटल करता था। एंड मैंने कुछ वीडियोज़ में भी देखी थी ये चीज़ें, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि उनको बाइक में से साउंड आती है हंटर में से स्पेशली, तो वो साउंड का मैंने बोला उनको कि आते, तो बोल रहे थे कि हाँ साउंड तो नॉर्मल है बाइक में, सच कुछ इशू नहीं है। उसके अलावा मुझे बाइक में कोई भी इशू नहीं था, तो उन्होंने बोला बोले ठीक है आपको कोई इशू नहीं है, तो कुछ पार्ट्स वार्ट चेंज होना नहीं था बाइक का, ब्रेक व्रेक एवरीथिंग वॉज वर्किंग परफेक्टली, तो इस वजह से मैंने फिर उसके लिए मैंने, अब उसके अलावा क्या होता है उन्होंने बोला मुझे कि इंजन ऑयल का, क्योंकि क्या होता है बाइक जब आप सर्विस कराते हैं फर्स्ट सर्विस, तो फर्स्ट सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, सेकेंड सर्विस जो कि 5000 किलोमीटर पर होती है उसमें इंजन ऑयल चेंज नहीं होता, उसमें आपका जो इंजन होता है इंजन ऑयल में टॉपअप करा जाता है, और जो थर्ड सर्विस होती है दैट इज़ ऑन 10,000 किलोमीटर्स, तो थर्ड सर्विस में आपका इंजन ऑयल को वो टॉपअप नहीं करके वो चेंज करते हैं पूरा। तो सेकंड सर्विस थी होनी चाहिए थी 5000 किलोमीटर्स पर, लेकिन ये जो सर्विस थी वो 5000 किलोमीटर पर ना हो करके मेरी बाइक अराउंड 3000 समथिंग चली थी, या 3 भी नहीं चली थी, 2500 कुछ चली थी मेरी बाइक, तो जिस पर मैंने सर्विस करवाई। अब क्या था, इंजन टॉपअप कराना था मुझे, उन्होंने वॉशिंग का जोड़ा, उन्होंने चेन ल्यूब्रिकेशन और क्लीनिंग का भी कुछ अराउंड 350 रुपीज़ थे, बट मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ उसमें आई मेंशन डेट कि मैंने अपने इंजन टॉपअप किट ले रखी थी, जिसमें मैंने मोटल का सीटू ले रखा था, चेन क्लीनिंग अलग ले कर रखा था, मैंने ब्रश ले रखा था, और इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और पॉलिश और ली थी बाइक की, तो ये 3-4 चीज़ें ऑलरेडी मैं ले चुका था इसलिए मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने उसको चेन क्लीनिंग और ये सब चीज़ें मैंने हटवा दी, क्योंकि चेन क्लीनिंग बोला जाता है कि आपको हर 2000-2500 किलोमीटर पर करवा लेनी चाहिए, वैसे आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि कितने पर करानी चाहिए, बट मैंने चेन क्लीनिंग के लिए उसको हटवा दी, क्योंकि 350 रुपये का अराउंड 500 रुपीज़ का मैं ऑलरेडी स्टफ़ खरीद चुका था, तो आई डोंट थिंक सो कि ये 350 रुपये मुझे देने चाहिए थे, तो वो मैंने हटवा दिया। उसके बाद बाइक की वॉशिंग का भी कुछ 100 या 150 रुपीज़ ले रहे थे वो, तो मैंने कहा बाइक वॉश भी मुझे नहीं करानी, क्योंकि जब चेन भी क्लीनिंग का जब करवाऊँगा तो इन ऑल टोटल पूरा करवाऊँगा, तो बाइक मैंने वो वहाँ से हटवा दी। अब और कुछ बाइक में पार्ट चेंज होना नहीं था, ना ही एयर फिल्टर चेंज होना था, ना ही ऑयल फिल्टर चेंज होना था, कुछ भी चेंज होना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंजन टॉपअप होना था, तो जो इंजन टॉपअप होना था उसके 78 रुपीज़ मेरे से चार्जेस लिए गए। एक दो चीज़ और एड ऑन करी थी उन्होंने, जैसे टेफ्लॉन कोटिंग वाली चीज़ भी थी, तो टेफ्लॉन कोटिंग भी मेरे को रिक्वायर्ड नहीं लगा इसलिए मैंने हटा दी बाइक पर, ना तो स्क्रैचेज़ आए थे और ना ही स्क्रैचेज़ के साथ बाइक को मैंने इतना ज़्यादा कुछ रफ़ तरीके से यूज़ करा था, जिससे कि या मैं यूज़ करता हूँ जिससे कि और मुझे आगे का डर हो, तो इसलिए मैंने कोटिंग के लिए भी मना कर दिया था। उसके बाद वॉशिंग का रहा, तो कंपनी जो डीलर थे यहाँ पर उन्होंने बाइक खुद ही वॉश करा दी विदाउट आस्किंग मी फॉर द प्राइसेस, मैंने पैसा नहीं पे करा था उसका, बट उन्होंने बाइक खुद ही वॉश करके अंदर भेज दी, और अंदर भेजने के बाद बाइक पॉलिश भी कर दी इवन, तो मेरा ये मान लीजिए 78 रुपीज़ में जस्ट मेरी बाइक की सेकेंड सर्विस हो गई पूरी अच्छी तरीके से, और मुझे बहुत खुशी हुई। इसके बाद जो है बाइक वॉश करवाई थी, वॉश होने के बाद फिर अपन ने इसको पॉलिश वॉलिश करवा के क्लीन, और इस तरीके से जो बाइक की सर्विस थी वो टोटल 78 रुपीज़ में हो गई, क्योंकि 78 रुपीज़ में नोबडी कैन एक्सपेक्ट कितने सस्ते में हो सकता है, इवन जब मैंने शोरूम किया था सर्विस सेंटर तो मुझे लग रहा था काफ़ी कॉस्टली सर्विस होगी, बट सिर्फ 78 रुपीज़ में हो गया मेरा सारा काम, मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इवन। वॉशिंग हो चुकी है, पॉलिश हो चुकी है, सब
कुछ हो चुके हैं, बस अपन बाइक लेके यहाँ से चलते हैं। काफ़ी सारी ये मेरी फेवरेट बाइक है, वन ऑफ द फेवरेट कॉन्टिनेंटल GT 650। मेरा मन है लेने का बट अभी मेरे पास फंड्स नहीं है इतने कि मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँ। बाइक ऑलमोस्ट क्लीन होने वाली है, बस देन अपन लोग चलते हैं वापस बैक टू माय प्लेस। सो गई, इसी तरीके से हम लोग वापस आ चुके हैं सर्विस से और बाइक कंप्लीट पूरी अच्छी तरीके से सर्विस हो चुकी है। इसमें वॉशिंग और जो भी चीज़ें होती है बाइक, और बाइक चलने में भी स्मूथ लग रही है, बट हाँ थोड़ी और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी आफ्टर चेन क्लीनिंग, क्योंकि चेन में कहीं ना कहीं गंदी हो चुकी है चेन ऑलरेडी, और चेन की वजह से बाइक में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक लैग करती है जो स्मूथनेस होती है। तो अपन लोग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा होगा। एक बार तब तक हम लोग सीन देखते हैं। विदाउट ग्लव्स लेकिन फील नहीं आता, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा बाइक चलाने में यार मुझे। मतलब मज़ा तो आ रहा है ऑब्वियसली, बट स्टिल वो वाला फील नहीं आ रहा है, एक बाइकर वाला जो फील आता है विदाउट राइडिंग गियर्स अगर आप बाइक चला रहे हैं तो। वन मोर हंटर स्पॉटेड हियर व्हिच इज़ ऑफ गुड़गांव नंबर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी टू व्हीलर फोर व्हीलर और एनी थिंग फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यू कैन जस्ट डायरेक्टली पिंग मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, इट्स राइडर AMANN, और इवन यू कैन जस्ट कमेंट बिलो सो दैट आई कुड इफ आई कैन आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर इशूज इफ यू आर हैविंग एनी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड आई होप यू लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज।